आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपका तो वेलकम। Make my channel's blog. I got made for Y Gucci. So they can go to Y Gucci can play. I will can go to through the grass. For mama got the sister and me got the sister. We got the grass up the school. This girl, mama got the hide the grass and this is a black a sleeping. Can okay. Mama can when I can like go Y Gucci let's speak come on. चाबी लगा के छोड़ दो बस अभी रुकती नहीं फिर। ओके सो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गुरुद्वारे में। आज हमारे गुरुद्वारे में ओके यू कैन गो। आज हमारे गुरुद्वारे में बैसाखी का प्रोग्राम। वैसे तो बैसाखी 14th अप्रैल की खत्म हो चुकी है बट मेरे हिसाब से बाहर में जितनी भी कंट्रीज हैं तो सब में संडे को सेलिब्रेट कर रहे होंगे आई थिंक सो, क्योंकि बाकी वर्किंग डेज में लोगों की जॉब होती है या फिर बच्चों के स्कूल होते हैं तो संगत आती नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने संडे को प्रोग्राम रखा है। क्योंकि लास्ट वीक जब संडे को मैं गई थी तो बाबा जी ने बोला था कि नेक्स्ट संडे को बैसाखी का प्रोग्राम होगा, क्योंकि वैसे तो बैसाखी थर्सडे की हो चुकी है, आज है संडे 17th अप्रैल। तो आज प्रोग्राम है हमारे गुरुद्वारे में, सोचा लोगों के साथ शेयर करूं। और वैसे आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में गुरुद्वारा हमारा देखा हुआ बट आज मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी, पूरा कोशिश करूंगी, क्योंकि सब लोग अपने इंडियन से सामने शूट करना डिफिकल्ट लगता है मुझे अभी तो, क्योंकि सब नया नया है इसलिए। सो ट्राई करूंगी आपको दिखाने का। सो सुबह के बच्चों के हैं 10 बजे हम पूरे घर से निकल जाएंगे और वहाँ पहुंचने के बाद आज का दिन वहीं स्पेंड करेंगे। शाम को आते थे हम 4-5 बज जाते नॉर्मली, मतलब हर बार। आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो चलिए आपको भी साथ में लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं गुरुद्वारे में, ये है हमारी मेन एंट्रेंस। और जैसे आप अंदर एंटर करेंगे सबसे पहले फ्रंट में आपको दिखेगा शू रैक। यहाँ पे आपको अपने शूज़ सैंडल स्लीपर जो भी आपने डाले यहाँ पे आपने अपने रिमूव करने हैं। और उसके साथ में है ये एक रूम, काफ़ी बड़ा रूम है, ये भी बच्चों के खेलने के लिए है। साथ में स्लाइड लगी हुई, सोफ़ास लगे हुए हैं, या फिर जैसे कुछ छोटे बेबीज होते हैं 6 मंथ्स 8 मंथ्स के अभी जो आते हैं मदर्स के साथ, तो वो मदर्स अगर बच्चे तंग करते हैं जैसे कई बार तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो वो यहाँ नीचे आके लेके बैठ जाते हैं उनको। साथ में हमारा ये लगभग हॉल, तो नॉर्मली जब मैं आती हूँ तो लास्ट वीक और जब उससे पहले जब भी आई हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले से जाते हैं उसको नीचे आके हम चाय का लंगर रखते हैं। लेकिन अभी क्या था कि जैसे टाइम रखा हुआ था तो सब लोग पहले चाय का लंगर रख रहे थे, उसके बाद ऊपर जा रहे थे, तो चाय के लंगर में चाय है, नहीं है चाय बनाने के लिए ऊपर लंगर था तो इसलिए मैंने लिया। और मैं लेती हूँ हर बार, और आलू गोभी और पालक के पकौड़े थे, साथ में पूरी थी और सेविया थी। और चाय का लंगर फिनिश करने के बाद हम जा रहे हैं अभी ऊपर। तो ऊपर जैसे ही वो पड़ा हम आगे थे नीचे, यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं निशान बंदी, किसी का झूला चेंज करना होता है स्पेशल ओकेजन पे हम करते हैं, जैसे गुरुपूर्व हो गया हमारा, बैसाखी होगी तो आज यहाँ पे वही करें। सारी संगत नीचे आई हुई है और बहुत लोग बड़ी श्रद्धा और प्यार से ये सब करते हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इसको स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही स्पेशल पार्ट है। जो सिख लोग हैं वो तो जानते होंगे, जो नॉन सिख हैं या फिर दूसरी किसी रिलीजन के हैं उनको भी देखने का मौका मिलेगा। और ये लोहे से बना हुआ है, इसके ऊपर एक वायर के साथ मतलब दो लोग ऊपर खड़े हैं, वो वायर है लोहे की, तो उसके साथ धीरे धीरे इसको नीचे रखेंगे। नीचे उन्होंने टेबल्स ऑलरेडी वॉश करके अच्छे से क्लीन करके रख दिए हुए हैं। हाँ ये
तो यहाँ पे जैसे उन्होंने पुराना निकाल के चलो से वो नया डलवा रही हैं, नया लगा रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी संगत, मैं सब कुछ नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी वीडियो शूट करने में, बट जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से पूरा शूट किया, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे चोलो साहब की सेवा की, वापस से निशान साहब जी को अपनी जगह पे इन्होंने स्टडी कर दी। देखिए सब लोग चले गए थे ऊपर, और जैसे हमारा सब नीचे से फिनिश हुआ, सबसे पहले मैं ऊपर आ गई थी, और इसके बाद अभी कीर्तन वगैरह होगा, अब वो आप लोग एंजॉय कीजिए। Bye.
दुनिया रेखा चो लक्ष्मी वारी कोली जावे सरे हीरियां दे पैंदे दूर दूर चमकारे रख लाज नवाणिया दी चिड़ियों बाज तड़ावण हारे ਰੀ ਜਾਲਾ ਕੜਿਆ ਪਤਲਾ ਨੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰੋ ਮਨ ਮੋਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਲਖਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਲਖਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ ਦਾਏ ਤੇ ਬਾਏ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੰਗੀ ਸਰ ਸਬਜ ਬਣਾਵਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਸੁੱਚੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਸਲਈ ਰਲਮਾ ਰਣ ਤੜਫਣ ਵੈਰੀ ਪੈ ਉਹ ਤੜਫਣ ਵੈਰੀ ਪੈ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਜਖਮੀ ਮਰਮਾ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਜੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਵੈ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜਿਉਂ ਤਾਰਿਆ ਸਹੀਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਰੁੜਦਾ ਸਿੱਖ ਬਚਾਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੀ ਔਲੀਏ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਏ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੈਤਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੈਤਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਲੈਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਬਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ
अपना एक छोटा जिहा नगर वसाया होया सी, उहदे विच दीवान लगदे ने, उत्थे होले महल्ले खेडे जांदे ने, जंगा जुद्धां दीआं बातां हुंदीआं ने। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज गंभीर सोच में चले जाते हैं कि किवें एक वखरा एक नवेकला खालसा सजाया जाए। तो सारा प्रोग्राम फिनिश होने के बाद हम आ गए थे नीचे लंगर हॉल में। आज लंगर में बने थे राइस, प्रसादी थे, साथ में चपाती जिसको बोलते हैं, जलेबियाँ थी एंड दाल मखनी थी, शाही पनीर था, योगर्ट था। लंगर बहुत बहुत टेस्टी था। कोई भी होटल, कोई भी शेफ ऐसा खाना नहीं बना सकता जैसे लंगर हमारे गुरुद्वारे में बनता है। सो हमने ये बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। सो हम हो चुके हैं फ्री गुरुद्वारे से और लंगर चख लिया था हमने। लंगर चखने के बाद हमने थोड़ी देर वहाँ पे खेला था 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि बच्चे अंदर खेल रहे थे और उसको भी खेलना था। तो नॉर्मली हम 3 बजे फ्री होते हैं, नॉर्मल संडे को मैं आती हूँ, आज प्रोग्राम था तो 4:15 हो गए भी बाहर निकलते, लेकिन बहुत इन्जॉय किया, बहुत 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 मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कॉमेंट सेक्शन में भी बताइएगा ज़रूर। और आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए